दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वीईओ के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत, भारतीय राज व्यवस्था में हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। कौन सा शासक था वो? महमूद गजनवी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसने किया था 1025 से 26 ईस्वी में। यही सबसे चर्चित आक्रमण था महमूद गजनवी का। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चौथा क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, एनडीए 1999, बीपीएससी 2001, एसएससी 2002, यूपीपीसीएस 2004 और 11 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगरा नगर की इसकी जो स्थापना की थी, ये की थी सिकंदर लोदी ने। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आठवां क्वेश्चन, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नवा क्वेश्चन देखिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? किनके बीच में हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किसे छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासन काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? किसने प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? किसे बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, यात्री इब्नु बतूता कहाँ से आया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था?
कौन था महमूद गजनवी? निम्नलिखित में से अपने को बुत किशन मूर्ति भंजक कहता था, कौन कहता था? ये कहता था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए, महमूद गजनवी ने यामीन उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज के विरुद्ध किया? किस राज के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। हिंदू शाही राज की राजधानी क्या थी? उद्भाण्डपुर, ओ हिंद वय हिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध था। हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिस आत्मदाह कर लिया? जयपाल। 29वां क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाह नामक का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वत को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? किसने किया है? इब्नु बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ है बहलोल लोधी का। अल वरोनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग। आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है, तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। जो ऑप्शन ए है जो आपका, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुमिश। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्नु बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 17 बार आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य अंतर पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, राजसमंदों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम लोग भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड कुल 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था? ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको मिलान करना है, सूची वन में है क्या है, सूची सेकंड भी है आपके सामने। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1907 की।
इसका मिलान हो जाएगा सूरत विभाजन से। ठीक है, अब बात करते हैं 1932 की। इसका मिलान हो जाएगा सांप्रदायिक अधिनिर्णय से। अब बात करते हैं 1928 की। इसका मिलान हो जाएगा सर्वदलीय सम्मेलन से। अब बात करते हैं 1929 की। इसका मिलान हो जाएगा पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चौथे क्वेश्चन भी वही है, सूची एक तथा सूची दो को सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मॉन्टेगो की। तो लॉर्ड मॉन्टेगो का मिलान हो जाएगा अगस्त घोषणा से। ओके, अब बात करते हैं लॉर्ड लिनथिथियो को। इसका मिलान हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव से। ओके, अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का मिलान हो जाएगा अगस्त संकल्प से। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका मिलान हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट ये कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का एडमिनिस्ट्रेट एक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? 1858। अगला क्वेश्चन, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? किसने पूरा किया था? ये पूरा किया था ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये पारित किया गया 1909 में। 11वां क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909। 12वां क्वेश्चन देखिए, 1909 के इंडियन कौशल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? किस बात की व्यवस्था की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्रांतों में दोहरा शासन। 14वां क्वेश्चन देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेल नहीं है? इसमें यह पूछा जा रहा है इनमें कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। देखिए, आईएस 1985 का क्वेश्चन है, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की। इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए से, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं प्रांतीय स्वतंत्रता की। इसका मिलान हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन की। सांप्रदायिक निर्वाचन का जो मिलान है वो हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909। ठीक है,
अब बात करते हैं सती प्रथा का अंत। इसका मिलान हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। अब बात हम करते हैं ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, इसका मिलान हो जाएगा अधिनियम 1858। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, यूबीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 5वां क्वेश्चन देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डॉट 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 द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? 1935 में ये किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी, ना तो निर्यात ना तो आयात होता है। यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? कितना लगा हुआ है? 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संस्थात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? प्रकाशित करता है NSSO। ऑप्शन सी। नवा क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है इनमें से सभी। कृषि में मूलत किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य है। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? उपयुक्त दोनों, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है क्या? कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। 18वां क्वेश्चन, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतग्रहण है 2100 कैलोरी। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ऑप्शन सी, डीटी लाकड़ा वाला।